हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही खास क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक क्वेश्चन है और हम लोग सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी पॉज करके इस वीडियो को ध्यान से जब भी देख रहे हैं तो पॉज करके खुद करने का सॉल्यूशन का कोशिश करिएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन आप एनालिसिस करें कि सर कैसे सॉल्व करा रहे हैं, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इसको पॉज करें वीडियो को और तुरंत सॉल्व करने की आप खुद कोशिश करें, ठीक है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पैरेलल सर्किट है और जिसका इम्पीडेंस आपको दिया गया है। आपको एलिमेंट वहां पर फाइंड करना है, आपको एलिमेंट यहां पर फाइंड करना है। तो ये एलिमेंट कौन से होंगे, तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे और देन इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है, और हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि इसमें लिखा है द इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट इज 10 - j30। कितना दिया आपको, ये दिया है 10 - j30। ये क्या दिया आपको, इम्पीडेंस दिया है और इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी है 1 MHz। कितनी है दोस्तों, 1 MHz। द वैल्यू ऑफ द सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट क्या होंगे, ये एलिमेंट ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि 10 ओम होगा, यानी कि रजिस्टर 10 ओम, 100 ओम, ये दिया, यानी कि रजिस्टर तो होगा ही, यानी कि कंफर्म है कि रजिस्टर होना है। मिली हेनरी दैट मीन्स इंडक्टर, नैनोफेरेड दैट मीन्स कैपेसिटर, फिर मिली हेनरी, फिर आपका नैनोफेरेड, यानी कि कैपेसिटर या इंडक्टर साथ में रजिस्टर के आएगा। तो या तो आरएल सर्किट होगा या आरसी सर्किट होगा। तो अगर आरएल सर्किट होगा तो ए और सी ऑप्शन में से कोई एक होगा, और अगर आरसी सर्किट है तो बी और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो क्या होगा वो हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, पूरा समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके लिए नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करेंगे, है ना, और इसको एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। क्या है कॉन्सेप्ट, आपको दिया है द इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। एक इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट है, यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट लगे होंगे, ये हमें नहीं मालूम ये क्या लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये दो एलिमेंट आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पैरेलल सर्किट है। और पैरेलल सर्किट में एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, दूसरा एलिमेंट आपके पास यहाँ पे बी एलिमेंट है। क्या है, बी, दूसरा एलिमेंट बी है, इसको हम बी नाम दे देंगे, एक को ए नाम दे देंगे, एक को बी नाम दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया निकल के इस तरीके से। तो यहां पर आपको जो दिया गया है स्ट्रक्चर में, वो क्या दे दिया आपको, ये इंपीडेंस दे दिया आपको, क्या दे दिया है, इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस दिया। यानी कि अगर हम इंपीडेंस को बात करें तो इंपीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इक्वल टू आपको दे दिया है 10 - j30, 10 - j30 आपको यहां पे दे दिया गया, ठीक है सर, 10 - j30 दे दिया। एलिमेंट आपसे पूछा गया है, कैसे हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करते हैं, इन पैरेलल सर्किट वी डिटरमाइन क्या निकालेंगे, पैरेलल सर्किट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इन पैरेलल सर्किट वी डिटरमाइन एडमिटेंस। क्या निकालते हैं दोस्तों, एडमिटेंस। पैरेलल सर्किट में हमेशा क्या मिलता है आपको, एडमिटेंस मिलता है। तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, 1/z, यानी कि 1/z की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, जेड की वैल्यू यहां पे होगी 10 - j30। सर ये होगी, यस, 10 - j30। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हर का परिमेयकरण, दैट मीन्स रेसिप्रोकल साइन से इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे, 10 + j30 / 10 - j30। तो सर कितना आएगा हमारे पास, 10 + j30 / नीचे कितना आ जाएगा सर, ये बन जाएगा आपके पास 100, और माइनस ये आपका 10 का स्क्वायर है, a+b a- हो जाएगा, यानी a+b a- हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 900, है ना, जे 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, जे स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, इतना मिल गया, यानी कि आपको सर मिल गया यहाँ पे कितना, 10 + j30 / कितना, 1000। तो 1000, 10 + j30 / 1000 यहाँ पे मिल जाता है। तो सर बाय पैरामीटर हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया, बाय पैरामीटर यानी कि सॉरी एडमिटेंस, यानी कि आपको क्या मिला, ये एडमिटेंस, क्या मिला, एडमिटेंस, एडमिटेंस आपको मिल गया। एडमिटेंस कितना मिल गया सर, 10 / 100, ठीक है सर, सॉरी 1000, 10 / 1000 और प्लस j 30 / 1000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y = 1/100 और प्लस j 3/100।
ये आपको यहां पर मिल गया, ये आपको यहां पे मिल गया। हमें यहां पे पता होना चाहिए कि जो भी बाय स्ट्रक्चर होता है यानी कि एडमिटेंस होता है, तो किसी भी एडमिटेंस में, एडमिटेंस में वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा एल है ना प्लस जे ओमेगा सी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग बोलते हैं। तो हमें यहां पर जो एक अंतर अगर देखें तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, आपको यहां पे मिल क्या रहा है, आप ये चेक करिए, आपको यहां पर क्या मिल रहा है आप ये चेक करिए बस। तो हमें सर यहां पे मिल रहा है कि ये बाय इक्वल टू जो स्ट्रक्चर है वो कितना है, वन अपॉन आर है, और ऊपर जे है और थ्री अपॉन हंड्रेड लिखा है, यानी कि ऊपर क्या मिल रहा है आपको, जे ओमेगा सी। तो इंडक्टर तो नहीं है, यानी कि इतना कंफर्म है कि रजिस्टर और कैपेसिटर है, यानी कि रजिस्टर कैपेसिटर है, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इन दोनों में ही रजिस्टर और कैपेसिटर है, इन दोनों में ही रजिस्टर और कैपेसिटर है। तो चलिए हम लोग सर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सर और सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा, ध्यान देंगे आप लोग सभी। तो हमारे पास यहां पर जो निकल के आ रहा है, ठीक है, वो वन अपॉन आर, तो यानी कि आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर? आर की वैल्यू तो आ गई 100। यस, आर की वैल्यू क्या आ गई? 100। कंपैरिजन कर लीजिए, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई सर। आर की वैल्यू 100 आ गई ना? यस, 100 आ गई, 100 आ गई आर की वैल्यू। देखिए आर की वैल्यू 100 आ गई। तो यहां पर कितना आएगा ओमेगा सी? कितना आएगा ओमेगा सी? इक्वल टू कितना होगा? 3/100। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3/100 इंटू ओमेगा। सर सी इक्वल टू कितना होगा? 3/100 इंटू ओमेगा का मतलब 2πf यानी कि 3.14, और सर f की वैल्यू है 1×10⁶, क्योंकि यहां पे मेगा में दिया सर, यहां पे किस में दिया? मेगा में। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा 3/ ये आपका बनेगा 200 इंटू, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 6.28, और 6.28 आपका बन जाएगा 6.28, यहां पे आ गया 10^ कितना आएगा? 6.28, देख लीजिए 6.28 और 10^8। इस 10^8 को ऊपर ले जाएंगे और 3/6.28 है, तो यहां पर बनेगा 10^-8, और जब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास यहां पे निकल के आएगी, सी की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी, सी की वैल्यू 0.47 के समथिंग। तो यहां पे आंसर 40.47 आ रहा है, 0.47×10^-8 है ना, कितना? फेरेड। तो आप अगर शिफ्ट करेंगे तो यहां पे अपन को मिल जाएगा 4.7×10⁻¹ फेरेड। तो दोस्तों यहां पर कैपेसिटर आपके पास कितना आ गया? कैपेसिटर यहां पे निकल के आ गया हमारे पास 4.7 नैनो फेरेड। क्या आ गया? 4.7 नैनो फेरेड। और रेजिस्टर आपने क्या निकाला था सर? रेजिस्टर हमने निकाला था 100। कितना निकाला था? 100 ओम। यानी कि आर की वैल्यू आ गई 100 और सी की वैल्यू निकल के आपके पास आ गई 4.7। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और आसानी से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आपके सामने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपके लिए मैं डेली एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जितने भी ये परीक्षाओं में हाल ही में पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक चीज़ को एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आए तो बिल्कुल आप दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।